Hello friends, welcome to Sandeep's Food Magic. In this video, we will make delicious barfi made from carrots and mawa and serve with tutti frutti and dry fruits. Carrot barfi is a classical Indian dessert made with carrots and milks and packed with all the goodness of carrots. This is an Indian easy carrot based sweet dessert pudding recipe prepared mainly with fresh grated carrots. So let's prepare this sweet recipe. एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल के गरम करेंगे और उसमें ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे. घी में इसे मिक्स करिए और इसे 3 से 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे. पाँच मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारी गाजर सॉफ्ट हो चुकी है. अब हम इसमें 1 ग्लास दूध डालेंगे. दूध फुल क्रीम होना चाहिए. अब इसे फिर से ढकेंगे और फिर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये दूध अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा. तब तक हम एक पैन में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और उसमें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल के रोस्ट करेंगे. हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं. अब हम इन्हें गाजर का हलवा जो हम बना रहे हैं उसमें डालेंगे और इलायची पाउडर या इलायची दाना क्रश किया हुआ डालेंगे. चीनी 1 कप डालेंगे. अब अच्छे से मिक्स करेंगे. फिर इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे. इसका पानी एकदम सूख चुका है, तो मतलब हमारा हलवा तैयार है. अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे. आप इसे एक केक टिन में भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसको पहले ग्रीस कर लें. अब इसको अच्छे से बराबर शेप देते हुए एक स्क्वायर शेप देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे. अगर आपको जल्दी है तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में 10 से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं. अब हम अपना मावा तैयार करेंगे. इसके लिए हम एक पैन लेंगे. पैन में 100 ग्राम मावा डाल के भूनेंगे. बस इसे सॉफ्ट होने तक ही हमें पकाना है और ब्राउन नहीं करना है इसे. मावा तैयार है. अब देखिए हमारा हलवा भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है. अब इस पर हम मावा डालेंगे. मावा डाल के हम इसको बराबर करेंगे. अब इस पर आप चाहे तो ड्राई फ्रूट कटे हुए या फिर टूटी फ्रूटी से गार्निश कर सकते हैं. इसे ठंडा होने देंगे. फिर हम इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे. ये मिठाई बहुत जल्दी बनती है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा. और ये बहुत टेस्टी भी है. बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत पसंद आती है. और इस समय तो गाजर का सीज़न भी है और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर टैप करें. थैंक यू.